ठीक है, हमारे साथ इस वक्त देखिए घनेन्द्र भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बाकी संवाददाताओं का मैं रुख करूं, उससे पहले घनेन्द्र जी एक छोटा सा सवाल, ये गिरफ्तारी का माहौल किसने बनाया? देखिए, जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दें, ताकि नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज ना हो ओपोजिशन का। पूरी ओपोजिशन को जेल में डालने की तैयारी है और आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए। नहीं घनेन्द्र जी, जब सरकार के दो दो मंत्रियों ने ये आशंका जताई कि भाई आज मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इसका कोई आधार होगा ना? किस बिना पर आपने यह दावा कर दिया? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे पास पुख्ता सोर्स थे और उन सोर्सेज ने यह कहा था कि कल अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके घर पे ईडी की रेड होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और ईडी लगातार इस बात को कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, ऐसे ही मनीष जी के समय पे हुआ था, ऐसे संजय सिंह के समय पे हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी। आप लोग भी कह रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये तो आप लोग भी शुरू से ही कह रहे हैं, ईडी या बीजेपी कहने से पहले आपने कहना शुरू कर दिया। रवि, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले दो दिन से कह रहे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ऐसी मनीष जी के लिए कहा था, मनीष जी भी गिरफ्तार होंगे, ऐसी संजय सिंह के लिए कहा था। आप ये मानते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को सच मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? देखिए, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखी जा रही है। आप यकीन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर कि गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप भरोसा करते हैं उन पर? मैं कह रहा हूं, ईडी और सीबीआई आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि क्या आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूं कि क्या उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं आप? कह रहा हूं, ईडी सीबीआई चलाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रही है, सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो सीबीआई ईडी करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। ठीक है, हम लौटेंगे यहां पास। देखिए सुमंत, ये बहुत ही अजीब स्थिति है, ईडी के सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये अफवाह है, जबकि आम आदमी पार्टी बड़े विश्वास के साथ कह रही कि योजना यही थी कि केजरीवाल के घर पर, आवास पर छापा मारा जाए। अभी तो वो कह रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है गिरफ्तारी का, वो भी हो सकता है, इसकी आशंकाएं आम आदमी पार्टी लगातार व्यक्त कर रही है। देखिए रवि, इस वक्त मैं फ्लैग स्टाफ रोड पे हूं, जो सीएम का आधिकारिक निवास है, सामने देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड का यह आधिकारिक निवास है, सीएम फिलहाल अपने घर में ही है। मैं बता दूं, ये सच है रवि, कि सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जब हम लोग पहुंचे थे, तो जिस तरह की इस पूरे फ्लैग स्टाफ रोड पे दोनों तरफ जो एंट्री और एग्जिट के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था, हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया था, घर के बाहर भी एक्स्ट्रा फोर्सेस थे और मीडिया को भी यहां तक आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ देर पहले ही ये सारी चीजें हुई, अब दोनों गेट खोल दिया गया है, आवाजाही बिल्कुल सामान्य हो गई है और जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया था फ्लैग स्टाफ रोड पे, उसे हटा लिया गया। और फिलहाल अगर आप देखें तो सीएम सिक्योरिटी में जो जवान यहां आमतौर पे तैनात रहते हैं, वही मुख्यमंत्री के घर के बाहर दिख रहे हैं। नजर आई, इसमें कोई शक नहीं, लोगों को नजर आई, स्थिति ऐसी नहीं थी। उसके पीछे की वजह कुछ समझ में आई है, कुछ बताया अधिकारियों ने कि ये जो कुछ समय के लिए ये बहुत सघन एक्टिविटी थी, वो क्यों थी? अब बिल्कुल देखिए, देर रात जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी और संदीप पाठक जो राज्यसभा सांसद है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद जब हम तड़के पहुंचे थे रवि, तो वाकई मैं बता दूं कि जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं वो भी, एडिशनल डीसीपी वो भी यहाँ आए थे, पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी आए थे, अतिरिक्त फोर्सेज भी था, तो ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है आम दिनों के मुकाबले। लेकिन अब से कुछ देर पहले अब स्थिति अगर आप फिलहाल देखें सीएम हाउस के आसपास, थोड़ी देर पहले वो तामझाम हटा लिया गया है, आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता भी, सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नजर आई थी थोड़ी देर पहले सुबह सुबह, क्या ऐसा होने वाला था कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, एंट्री एग्जिट के रास्ते बंद कर दिए गए? इसका कोई आधिकारिक जवाब फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन जितेंद्र भाटी का हम रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, जितेंद्र जरा वो बताएं, क्योंकि पार्टी नेताओं ने तो एक तरह से घोषित ही कर दिया था कि भाई आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले, ईडी ने इस खबर को खारिज कर दिया है, अफवाह बताया है, अब पार्टी किस तैयारी में, क्या हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में के जो सरकार है उसमें दो दो मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, और रात से कह रहे हैं कि गुरुवार यानी कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचेगी और उनकी गिरफ्तारी कर लेगी। लेकिन इस बात को बल तब मिला जब सुबह सुबह देखा गया, रात में ही बल्कि, दोनों तरफ के दरवाजे बंद किए गए, स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन थोड़े ही समय बाद जो है बातें चेंज हुई। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक मौका और देना चाहते, कम से कम एक मौका और जो है वो उनको देना चाहते कि आके वो पूछताछ को ज्वाइन करे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहे भले ही आज नहीं लेकिन खतरा टला नहीं है, अभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, वो ये है कि 6, 7 और 8 यानी कि 3 दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे, जनसंवाद करेंगे, साथ ही उनके जो एक विधायक हैं उनको बंद किया गया, उनके परिवार से मिलेंगे, कुल मिला के जो लोकसभा की तैयारी है उसको करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, जितेंद्र भाटी ने बताया।